अर्णब गोस्वामी लेटेस्ट न्यूज। फर्जी टीआरपी केस में हो सकती है अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी। मुंबई। फर्जी टीआरपी केस में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। सोमवार को इस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट CIU ने किला कोर्ट में उन पर रिश्वत देने का लिखित में आरोप लगाया है। पिछले सप्ताह CIU ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल BARC के पूर्व CEO पार्थ दास गुप्ता को गिरफ्तार किया था। उन्हें सोमवार को नई रिमांड के लिए मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। उस दौरान CIU की तरफ से दायर रिमांड एप्लीकेशन में लिखा गया कि पार्थ दास गुप्ता ने रिपब्लिक भारत हिंदी चैनल और रिपब्लिक टीवी अंग्रेजी न्यूज चैनल की TRP में हेरफेर के लिए अर्णब गोस्वामी व अन्य संबंधित आरोपियों के साथ मिलकर साजिश की और गैरकानूनी काम किया। इसके बदले में अर्णब गोस्वामी ने पार्थ दास गुप्ता को वक्त वक्त पर लाखों रुपए दिए, ऐसा CIU की जांच में सामने आया है। इन रुपयों से पार्थ दास गुप्ता ने मूल्यवान वस्तुएं, महंगे गहने खरीदे। CIU ने रिमांड एप्लीकेशन में जानकारी दी कि पार्थ दास गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद जांच टीम ने उनके घर से खोजबीन की। वहां से 1,00,000 रुपए कीमत की हाथ की घड़ी व सिल्वर कलर की धातु के 3 किलो 300 ग्राम गहने मिले।